तो इस पोर्शन में मैं फ्लूड मैकेनिक्स को डिस्क्राइब करूंगा। फ्लूड मैकेनिक्स क्या है? फ्लूड मैकेनिक्स साइंस ऑफ फ्लो है, यानी कि इट्स अ साइंस ऑफ फ्लो विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूड्स इन रेस्ट पोजिशन एज वेल एज इन मोशन। मीन्स वी कैन स्टडी फ्लूड आइदर इन रेस्ट पोजिशन और इन मोशन। तो फ्लूड होता क्या है? फ्लूड लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, राइट? फ्लूड लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। अगर वो रेस्ट पोजीशन में है तो हम फ्लूड स्टैटिक्स बोलते हैं, तब हम बोलते हैं कि हम फ्लूड मैकेनिक्स की ब्रांच फ्लूड स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। जिस टाइम फ्लूड रेस्ट में होगा तो हम बोलेंगे फ्लूड स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, राइट? अगर वो मोशन में है तो दो ब्रांचेज और आ जाती हैं, फ्लूड काइनेमेटिक्स और फ्लूड डायनेमिक्स। इस पे भी डिपेंड करता है कि फ्लूड काइनेमेटिक्स कौन होगा, जिसमें हम कोई भी फोर्स कंसाइडर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मोशन का अध्ययन करेंगे, मोशन की स्टडी करेंगे। तो जब हम कोई भी प्रेशर फोर्स या फिर कोई फोर्स कंसाइडर नहीं करते हैं तो वो आ जाता है काइनेमेटिक्स के अंदर। अगर हम फोर्स कंसाइडर कर रहे हैं, वो कॉजेज हम स्टडी करना चाहते हैं जो मोशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तब आ जाएगा डायनेमिक्स में, ठीक है? तो फ्लूड मैकेनिक्स इज द साइंस ऑफ फ्लो विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूड्स आइदर इन रेस्ट पोजिशन और इन मोशन। अगर बोला जाए कि फ्लूड मैकेनिक्स क्यों पढ़े, फ्लूड मैकेनिक्स की इम्पॉर्टेंस क्या है, तो इम्पॉर्टेंस ये है कि इट इज यूज टू डिजाइन एयरक्राफ्ट, रॉकेट, एरोप्लेन। एयरक्राफ्ट, रॉकेट और एरोप्लेन के डिजाइन के लिए क्यों फ्लूड मैकेनिक्स यूज की जाती है? क्योंकि ये फ्लूड पे मूव करते हैं। अगर ये कोई रॉकेट उड़ान भर रहा है तो वो फ्लूड से होके जाएगा। जितने स्मूथली वो फ्लूड को सेपरेट करेगा अपने आगे से, उतने आसानी से वो उससे मूव करेगा, ठीक है? तो उसका डिजाइन एरोडायनेमिक होना चाहिए ताकि वो फ्लूड को, एयर को आसानी से सेपरेट कर पाए। तो इसीलिए इनका एप्लीकेशन है। सेकंड क्या है? शिप्स, यानी कि बोट्स, कार्स, प्रोपल्शन डिवाइसेस, टरबाइन और एयर कंडीशनिंग, राइट? तो एयर कंडीशनिंग जो डिवाइसेस है, तो इसमें भी हमारे पास जो भी फ्लूड से घिरे हुए ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि शिप, शिप तब तक फ्लूड पे मूव नहीं करेगा, तब तक फ्लूड पे फ्लो नहीं करेगा, फ्लूड पे मूव नहीं करेगा जब तक कि उसका सेंटर ऑफ बोयेंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटेशनल दोनों एक एक्सिस पे नहीं। जब तक कि वो दोनों एक एक्सिस पे नहीं आए तब तक वो शिप स्टेबल नहीं रहेगा, स्टेबल नहीं रह पाएगा किसी फ्लूड पे। तो उसे स्टेबल रहने के लिए किसी फ्लूड पे उसका सेंटर ऑफ बोयेंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटेशनल पॉइंट दोनों एक ही एक्सिस पे होने चाहिए। अगर एंगल थोड़ा भी तिरछा हुआ तो वो अनस्टेबल हो जाएगी, राइट? ऐसे ही इन्हीं चीजों को देख करके हम इन सब चीजों को बनाते हैं, जैसे कार भी एरोडायनेमिक होनी चाहिए। तीसरी चीज है चैनल इरिगेशन सिस्टम। चैनल बनाने के लिए, पाइप्स बनाने के लिए फ्लूड मैकेनिक्स का यूज किया जाता है ताकि फ्लूड फ्लो हो पाए। इरिगेशन सिस्टम में भी इसका यूज किया जाता है वाटर सप्लाई के लिए। और प्रिडिक्शन ऑफ वेदर, इवन प्रिडिक्शन ऑफ वेदर, वेदर का प्रिडिक्शन करने के लिए कि वेदर ऐसा रहेगा, बारिश होगी, ये होगा, तो इसके लिए भी फ्लूड मैकेनिक्स का यूज किया जाता है। पॉल्यूशन लेवल मेजर करने के लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए और ओशियन करेंट्स के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ये एक पहला कारण है कि हमें क्यों फ्लूड मैकेनिक्स पढ़नी चाहिए। दूसरा कारण क्या है कि जो भी अकॉर्डिंग टू ग्रीक्स द बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट्स आर एयर, फायर, वाटर। ये तीनों फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं, इसके साथ अर्थ भी है। एक्सेप्ट अर्थ वी रीड ऑल दीज थ्री थिंग्स इन दिस ब्रांच। तो ये ब्रांच बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें एयर का स्टडी भी कर सकते हैं, फायर की भी कर सकते हैं और वाटर की भी कर सकते हैं। तो वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है? वाटर 71%, जैसे कि आपको पता होगा, 71% जो है अर्थ का आउटर सरफेस है वो 71% वाटर से ढका हुआ है, जबकि हमारी बॉडी में वाटर कितना होता है? 70 और 71% उतना ही लगभग होता है। तो हमारी बॉडी के फंक्शंस के लिए, वीन्स में जो ब्लड फ्लो होता है, हम जो ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन का, वो सारा फ्लूड है, एयर है। फ्लूड में एयर और गैस
एयर और लिक्विड, एयर और वाटर सब कुछ आता है राइट, सिवाय सॉलिड के, वो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हैं। तो सेकंड इसका क्या कारण है कि हमें फ्लूड मैकेनिक्स पढ़नी चाहिए, ऑलमोस्ट ऑल आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जीज बाय इज फ्रॉम फ्लूड फ्लो। तो फ्लूड फ्लो के कारण ही हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास टर्बाइन है, टर्बाइन हमारे थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है, उसमें से स्टीम या फिर वाटर, स्टीम फ्लो या फिर वाटर फ्लो किया जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं फ्लूड फ्लो हो रहा है। तो उसके कारण क्या होता है, उसकी जो ब्लेड्स होती हैं, जब वाटर उस पर स्ट्राइक करता है तो ब्लेड्स घूमती है, जब ब्लेड्स घूमती है वो कपल्ड होता है आपके जनरेटर से, तो जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो जब जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है तो हम कह सकते हैं कि फ्लूड फ्लो के कारण हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी ऑब्टेन कर रहे हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर कुछ हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में मैं साइंटिस्ट लियोनार्डो डाविंसी की बात करना चाहूंगा। इन्होंने 1452 से 1579 में काफी सारी खोजें करी, डिस्कवरीज करी फ्लूड मैकेनिक्स को लेके। तो इनके इम्प्लीमेंटेशन और एनाटॉमिकल फ्लो चार्ट थे जो कि ये बनाते थे, ये साथ ही साथ अमेजिंग आर्टिस्ट भी थे राइट, अमेजिंग आर्ट्स बनाते थे, तो उसके कारण ये कॉन्सेप्ट को समझाते थे। और जब 2000 साल पहले जब वाटर सप्लाई होती थी तो वो सिर्फ 180 लीटर होती थी हर एक सिटीजन, हर एक सिटी में राइट। पर उसी के 2000 साल बाद जब लिनार्डो डाविंसी ने लीस्ट रेजिस्टिव सीम लाइन शेप का मॉडल बनाया, इस टाइप का पाइप बनाया, तो उससे क्या हुआ, इस टाइप का जब मॉडल बनाया तो उससे क्या हुआ, 240 लीटर एवरेज घर में पहुंचा, तो वाटर सप्लाई 240 लीटर बढ़ गई, जबकि पहले 180 लीटर होता था पूरे सिटी में वाटर सप्लाई। और दो उसी के ठीक 2000 साल बाद जब उन्होंने ये बनाया तो उसके कारण 240 लीटर वाटर सप्लाई होने लग गया था, वो भी हर एक घर में। ठीक है, तो ये बहुत ही महान, इनकी जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इनके जो नोट्स थे वो काफी प्रसिद्ध और काफी इंपॉर्टेंट नोट्स थे। सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स किसी के रहे फ्लूइड मैकेनिक्स में तो वो लिनार्डो के थे। और क्या क्या है, जैसे कि इन्होंने जो जो ये ड्राइंग्स बनाते थे, जैसे कि उनमें से एक ड्राइंग ये है और ये बोट है, तो बोट अगर फ्लो कर रही है तो ये क्या करेगी, सेपरेट करेगी फ्लूड को। ठीक है, बोट का इस टाइप का स्ट्रक्चर इसीलिए होता है कि ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फ्लूड को सेपरेट कर सके और बहे, स्मूथली बहे, तो इसलिए वर्टिसेस का डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट ऑफ वर्टिसेस ड्यू टू सेपरेशन ऑफ फ्लूड। तो ये जो वर्टिसेस का डेवलपमेंट होता है, इनको इन इन चीजों को इन्होंने डायग्राम के माध्यम से दिखाया था। ठीक है, और क्या है, दूसरा जो पॉइंट है हिस्ट्री को लेके वो ये है कि पहले एक सब्जेक्ट हाइड्रोडायनेमिक्स होता था जिसमें हम थियोरेटिकल स्टडी करते थे, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ते थे, और दूसरा जो सब्जेक्ट होता था वो था हाइड्रोलिक्स, उसमें हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते थे। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी काफी इंपॉर्टेंट था, जबकि थियोरेटिकल स्टडी में हम सिर्फ अजम्पशंस लेते थे। तो जब वैज्ञानिक किरचॉफ ने दोनों सब्जेक्ट को एक साथ जोड़ा तो उसका नाम रखा गया फ्लूइड मैकेनिक्स। तो इन दोनों सब्जेक्ट को जब किरचॉफ साइंटिस्ट द्वारा जोड़ा गया तो वो कंबाइंड सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स कहलाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।